कुछ निगम में आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। चलिए गाइस शुरू करेंगे आज के वीडियो को। कल जो भी लेवल्स हम लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी के डिस्कस किए थे उनके एनालिसिस के साथ में शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ में। सो गाइस कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में आज एक बुलिश ट्रेंड आएगा, लेकिन चूंकि हम लोगों को मिला नहीं। डेली टाइम फ्रेम पे जब मैं आप लोगों को लेकर के जाऊंगा तब आप लोगों को सारी चीज़ें जो वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना था टॉप में, सॉरी हैंगिंग मैन नहीं, डोजी कैंडल बनी थी, और फिर यहाँ से एक डाउनसाइड का फॉल मिला था जो कि हम लोगों ने प्री प्रेडिक्टेड नहीं था, कंप्लीट साइडवेज वाला मोमेंटम था। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को कोई भी वॉल्यूम जो है वॉल्यूम नहीं दिखाया दे रहा है, जबकि मार्केट ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है। यानी कि आज के पूरे दिन भर में हम लोगों को जो मार्केट में वॉल्यूम मिला था वो कम्प्लीटली रिटेल ट्रेडर्स का था। आज का दिन का वॉल्यूम जो था ना तो ऑपरेटर्स का वॉल्यूम था इसमें, ना तो बिग प्लेयर्स का वॉल्यूम जो है वो एंटर हो चुका था। कल हम लोगों ने एक लेवल डिस्कस किया था, आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन दिखाया था, एग्जैक्टली देख लीजिए इसी ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन लेता हुआ आज पूरे दिन भर बैंक निफ्टी जो है हम लोग को देखने को मिला है। पूरा इसका जो एनालिसिस है हम लोग जब इसके चार्ट पे चले जाएंगे तब यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे 18,250 का निफ्टी पे हम लोगों ने एक लेवल डिस्कस किया था, इसके नीचे बेरिश था। सो देख लीजिए कोई भी हम लोग को यहाँ पे रिजेक्शन नहीं मिला। अगर इस कैंडल का कोई भी कैंडल लो ब्रेक करती थी तो निफ्टी ब्रेकडाउन देने वाली थी, यानी कि यहाँ से हम लोग को एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता था निफ्टी में। जाहिर सी बात है अगर निफ्टी में फॉल आता था तो बैंक निफ्टी में भी फॉल आता था, लेकिन निफ्टी ने होल्ड करके रखा था बैंक निफ्टी को, और 18,300 के ऊपर निफ्टी का फ्यूचर जो है वो बुलिश होने लगा था। हम लोग को ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं मिला क्योंकि आज कंप्लीटली साइडवेज मार्केट था, इसमें रिटेल ट्रेडर्स का वॉल्यूम था, ऑपरेटर्स का वॉल्यूम नहीं था। सो इसने आज के दिन में हम लोग को लेवल वन दिया है। जब हम लोग मूव ऑन करेंगे बाकी की सारी चीज़ों की तरफ तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाकी जो भी हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस किए थे वो किस टाइप के थे। गाइस जो भी कल मैंने आप लोग को तीन ब्रेकआउट स्टॉक्स दिए थे उनके एनालिसिस के साथ में, तो ये देख लीजिए गाइस ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल था। आप लोग इसमें वॉल्यूम बेसिस पे एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते थे। आप लोग को यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिख रहा है, साथ में यहाँ पे कई सारे डोजी कैंडल्स दिख रहे हैं। सो इसके हाई के ब्रेकआउट पे प्राइस एक्शन के बेसिस पे यहाँ पे भी बाय बन रहा था वॉल्यूम के साथ में, या फिर 5 मिनट के कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे भी इसमें बाय बना था। आइशर मोटर्स के सी में बहुत ही अच्छा खासा आप लोग को प्रॉफिट मिला है, यानी कि हम लोगों का कोई भी स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे हिट नहीं हुआ है। जो गाइस हम लोगों ने सेकंड कॉल को डिस्कस किया था वो थी यूबीएल की। यूबीएल को अगर हम लोग देखेंगे गाइस यहाँ पे, सो आज के दिन का पहला कैंडल के बाद में देख लीजिए यहाँ पे इसने ओपनिंग अपना ले लिया है और लेवल 2 यहाँ पे दिया है। एक बार ये नीचे आ गया था, लेकिन आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के हर वीडियो में आप लोगों को बोलते रहता हूँ कि स्टॉप लॉस के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तब आप लोग मैन्युअली अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर करोगे। अब देख लीजिए ये कैंडल तो इसके नीचे क्लोज नहीं हुई थी, अगली कैंडल हाँ जरूर क्लोज हो गई थी, लेकिन उसकी अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया और रिवर्सल हो गया। सो आप लोग को यहाँ पे लेवल 2 जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो डेफिनेटली मिल गया है। और गाइस जो हम लोगों ने थर्ड कॉल को डिस्कस किया था वो थी पेल की। पेल को देख लीजिए यहाँ पे एक आप लोगों को एग्रेसिव एंट्री मिली थी और यहाँ पे आप लोगों का टारगेट 1 हो गया, फिर नीचे आ गया। जो मैंने सेल बिलो लेवल दिया था 2634, एग्जैक्टली इस लेवल से मैजिकल रिवर्सल लिया इसने, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया और नीचे आने के बाद और एक कैंडल यहाँ पे 2-3 कैंडल क्लोज और ये कैंडल पे आप लोग का री एंट्री हो गया था। आप लोगों को इसमें और एक बार लेवल 3 जो है वो इसमें डन हो गया, यानी कि तीन ही हम लोग जो भी 3 कॉल्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं तीनों के तीनों कॉल्स पे 100% की एक्यूरेसी हम लोगों की बरकरार है। कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं है 183 एपिसोड्स तक। कोशिश रहेगी 365 एपिसोड्स ऐसे बनाओ जिसमें आप लोग को कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आराम आराम से वीडियो देखिएगा। आपके पास अगर इतना टाइम नहीं है कि आप लोग पूरा वीडियो देख नहीं पा रहे हो तो पूरे वीडियो जब टाइम रहेगा तब देख लीजिए, तब तक भगाते भगाते मत देखिए। हो सकता है किसी भी वीडियो में कहीं पे भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को बताया हो और वो आप लोगों ने मिस कर दिया। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इस चीज़ पे आप लोग को ध्यान रखना होगा। बात करेंगे कल के दिन की पहली कॉल के बारे में। अगर आप लोग टेलीग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक भी दिया, उस लिंक थ्रू आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कल के दिन की पहली कॉल रहेगी कोटक बैंक। सो कोटक बैंक अगर आप लोग देखोगे गाइस तो यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना करके अपसाइड में मूव कर रहा है, और साथ में थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे ये डाउनसाइड से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इसको थर्ड टाइम इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ से बाउंस बैक जो कर गया। सो अपसाइड में इसका अगर बाउंस बैक हम लोग को मिल जाता है तो बेहतरीन अपसाइड का मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1941 के ऊपर। 45, 51 और 57 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 1930 का।
इन केस अगर इसमें बाइंग नहीं आता तो 1930 के नीचे बेयरिश हो जाएगा, 26, 21 और 16 डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, 1941 आप लोगों की स्टॉप लॉस रहेगी। जब भी आप लोग गाइस प्राइस एक्शन के साथ में मैजिकल लेवल्स के साथ में ट्रेड कर रहे हो तो एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान रखना होगा कि जो भी हम लोगों का बुलिश अबाउट लेवल है कोई भी 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। जब अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी तब हम लोग अपने बाय ऑर्डर को ट्रिगर करते हैं और जो भी स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पर लगा करके रखें कोई भी 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तब हम लोग मैनुअली अपने स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रिगर करते हैं। बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राइस एक्शन है बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो भी आप लोग को मैं स्टॉक्स देते रहता हूँ FNOs के स्टॉक्स है, सो आप लोग यहाँ पे स्पॉट को भी अपने रडार पे रख सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन और फ्यूचर को भी आप लोग अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ आप लोग को एक चीज़ पे ध्यान रखना होगा गाइस कि आप लोग जो भी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करोगे वो या तो इन द मनी होनी चाहिए या तो एट द मनी होनी चाहिए, आउट द मनी पे कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। बात करेंगे गाइस HCL टेक जो कि हम लोगों की कल के दिन की सेकंड कॉल रही, यहाँ पे एक अच्छा सा वॉल्यूम आया था और नीचे वॉल्यूम डाउन होते होते एंड में इसमें एक कर्व ले लिया, यानी कि इसमें एक वॉल्यूम एंटर हो चुका है, जबकि यहाँ पे आप लोगों का जो स्पॉट है उसमें आप लोगों का मोमेंटम जो है नहीं मिला है। सो अगर आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट 5 मिनट की यानी कि 10 मिनट टाइम फ्रेम, अगर आप लोग जीरो द में यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे नहीं लगा सकते, जीरो द में लगा सकते, तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में इनसाइड हो गया है ये पूरा, मतलब इसके अंदर ही बाकी की सारी कैंडल जो वो बनी है। 10 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल को हम लोग मदर कैंडल के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं और बाकी सारी जो कैंडल्स है वो बेबी कैंडल्स है। सो इस बेसिस पे मैंने कुछ यहाँ पे लेवल निकाल करके रखा हुआ है, 1260 के ऊपर HCL टेक बुलिश है, 65, 71, 78 अपसाइड के लेवल से 1250 स्टॉप लॉस है। इनकेस बाइंग नहीं आता तो 1250 के नीचे बेयरिश हो जाएगा, 45, 40 और 34 डाउनसाइड के लेवल से 1260 आप लोगों का स्टॉप लॉस है। बात करेंगे कल के दिन की बेहतरीन थर्ड कॉल के बारे में, वो रहेगी अदानी एंटरप्राइजेस की। सो अगर थोड़ा सा छोटा करके आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा दूँ तो अदानी एंटरप्राइज में पिछले 2-3 दिनों में हम लोगों को एक फॉल देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद अदानी एंटरप्राइज इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में नाकामयाब रहा था, इसमें ब्रेकआउट नहीं मिला था, लेकिन आज का क्लोजिंग इसने हमें नीचे दिया। सो अगर कल अगर ये कैपअप ओपनिंग भी देता रहता है लेकिन इसी सेम ट्रेंड लाइन को अगर रेजिस्टेंस के तौर पे अगर ये यूज़ करता है तो 1873 के नीचे बेयरिश हो जाएगा, 68, 63 और 56 हम लोगों के डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, 1885 स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर इसमें गैप अप ओपनिंग हो जाती है या फिर ये नीचे आने की वजह अगर यहाँ से रिवर्सल हो जाता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके, जैसे कि इसने यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देने का कोशिश किया था, अगर सेम जो अपना बिहेवियर है वो यहीं पे दिखा करके अगर ये अपसाइड में मूव कर जाता है तो 1885 के ऊपर बुलिश हो जाएगा, 91, 96 और 1900 अपसाइड के आप लोगों के लेवल्स होने वाले हैं। सो मैंने आप लोग के साथ में मेरे बेहतरीन 3 कॉल्स शेयर किए हुए हैं उनके टारगेट और स्टॉप लॉसेस के साथ में। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में। सो गाइज अभी आप लोग अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो आप लोगों को दिख रहा है कि एग्जैक्टली इसी लेवल्स के बीच में पिछले 3 से 4 दिनों में बैंक निफ्टी जो है फंसे पड़ी हुई है और निफ्टी भी। सो यहाँ से हम लोगों को एक डबल टॉप जो है वो मिल जाता है और आज हम लोगों को मार्केट में अगर देखेंगे सो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम भी आ रहा था, लेकिन उसके बाद में मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है वो नीचे आ रहा है, यानी कि इसमें बिग प्लेयर्स का वॉल्यूम जो है वो नहीं है। सो आज का दिन जो हम लोगों को कंप्लीट साइडवेज दिन मिला है उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये तूफान से पहले वाली शांति थी, तूफान आने से पहले जो शांति रहते वो थी हम लोग कह सकते हैं। सो आप लोगों को यहाँ पे एक बुलिश निफ्टी और बुलिश बैंक निफ्टी दिखाई जा रही, लेकिन अगर आप लोग कंसिडर करेंगे पिछले 4 to 5 डेज का FIIs का डाटा तो DIIs से जो भी बाइंग हो रही है वो होल्ड करके रखे हुए हैं मार्केट को, जो कि बहुत कम है, लेकिन FIIs से लगातार सेलिंग जो है वो जारी है। साथ में हम लोगों का निफ्टी का फ्यूचर डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाए रेडी है, सो हम लोगों को जो भी ब्रेकआउट मिलेगा आइदर अपसाइड में अगर वॉल्यूम के साथ में आता है या फिर आइदर डाउनसाइड में हम लोग को बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट मिलने वाला है। आज के दिन का हाई और आज के दिन का लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिगिनर्स के लिए और सेफ प्लेयर्स के लिए, नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। इसके बीच में चाहे जितना आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी ललचाए आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। कुछ लेवल्स मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट बेसिस पे भी ड्रॉ करके रखे हुए जो कि मेरे मैजिकल लेवल्स हैं और आप लोग को पता है कि अगर इन लेवल्स में कोई भी स्टॉक या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी जब भी एक्टिवेट हो जाती है तो हम लोगों को ये बेहतरीन टारगेट मिल जाता है। 18,350 के ऊपर निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है,
392 to 437 483 546 हम लोग के अपसाइड के लेवल से। इनकेस अगर इसमें बाइंग नहीं आ जाता, ये यहाँ से अगर रिजेक्शन लेकर के डाउन साइड में आ जाता है, विथ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 18,300 के नीचे सुपर बियरिश हो जाएगा और अपसाइड से ज़्यादा मुझे डाउन साइड की गारंटी और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। सो पुट साइड में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कंपेयर टू कॉल साइड में। यानी कि ऑब्वियसली कॉल साइड में अगर कोई एंट्री आती है तो मैं सिर्फ अपनी रेगुलर क्वांटिटीज से 50% क्वांटिटीज में ही ट्रेड करूँगा, लेकिन अगर मुझे पुट साइड में कोई भी एंट्री आती है तो फिर मैं अपने फुल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करूँगा। 18,265, 231, 197 और 147 आप लोगों के डाउन साइड के लेवल्स होने वाले हैं। इसके बाद में गाइज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अभी बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लेवल्स के बारे में। सो गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे भी आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में इंजॉय कर सकते हो। उसके लिए बस आप लोगों को एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है एलाइज ब्लू का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करके आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज से फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ सकते हैं। एक्यूरेसी के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल को स्क्रॉल कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन है क्योंकि निफ्टी एक्जैक्टली इस लेवल पे खड़ी है जहाँ पे डबल टॉप बना है, और बैंक निफ्टी में अगर हम लोग बात करेंगे तो मुझे यहाँ पे एक डोजी दिख रही है जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन है। सो यहाँ से इधर किसी भी साइड में बहुत ही ज़्यादा फास्ट ब्रेकआउट हम लोग को मिल सकता है, और आज के दिन में हम लोगों को एक हैमर कैंडल दिख रही है डाउन साइड में एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे। सो अगर कल हम लोग को एक गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है सो यहाँ से मार्केट में हम लोगों को एक गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट ऊपर तो गया था लेकिन एग्जैक्टली देख लीजिए इस लेवल पे इसका वॉल्यूम जो है वो घट गया था। वहाँ से पिछले तीन दिन मार्केट तो ऊपर जा रहा था लेकिन वॉल्यूम जो है वो इसका गिरता ही जा रहा है, यानी कि हमारा जो इंडियन मार्केट है इसमें वॉल्यूम नहीं है। एंड FII जो भी है वो हम लोग अपनी जो क्वांटिटीज़ है वो लगातार स्क्वायर ऑफ करते जा रहे हैं। अगर आप लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर के देख लोगे डेली बेसिस पे, जो कि थोड़ा सा लेट डेटा आ रहा है, अगर आप लोग वहाँ पे जाकर के देख लोगे तो FII से लगातार सेलिंग दिख रही है। सो बैंक निफ्टी की बात करोगे पुट साइड में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कंपेयर टू कॉल साइड। ऑब्वियसली जैसे आप लोगों को कहा था कि मैं 50% क्वांटिटीज में ही ट्रेड करूँगा अगर ये मुझे डाउन साइड में मिलता है। 38,300 के नीचे बैंक निफ्टी का फ्यूचर वीक है, 226, 149, 38,065 और 37,950 के लेवल्स हम लोग डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर गए। इन केस जैसे कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया है डाउनफॉल नहीं आता है तो 38,400 के ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है, 503, 614, 720, 876 आप लोगों के अपसाइड के लेवल्स। यानी कि गाइज मैं आप लोगों को ऐसे लेवल्स देते रहता हूँ जिसमें मार्केट गैप डाउन हो गैप अप हो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम लेवल्स आप लोगों के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं, चाहे गैप डाउन हो चाहे गैप अप ओपनिंग। और इस टाइप का जब भी मार्केट होता है गाइज तो आप लोगों की होल्डिंग्स की तरफ ध्यान रखना होता है, स्पेशली जब आप लोग ऑप्शंस बाइंग करते हैं BTST ट्रेड्स और जो भी आप लोग स्टॉक ऑप्शंस को होल्डिंग करते हो, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग बहुत गलत चीज कर रहे हो इस टाइप के मार्केट में। जब आप लोगों को पता है मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है या फिर डाउनसाइड है एटलीस्ट फॉर 3 or 4 days तभी जाकर के आप लोगों ने ऑप्शंस को होल्ड करना चाहिए, वरना तब तक आप लोगों को नहीं करना चाहिए। और मार्केट अभी ऐसे सिचुएशन पे आकर के खड़ा है कि यहाँ से ये बिग ब्लास्ट अपसाइड में भी दे सकता है या फिर यहाँ से भारी गिरावट भी मार्केट में आ सकती है। सो इन सारी चीज़ों की तरफ आप लोग को ध्यान रखना होता है, सो इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान रख लीजिए। लेवल्स मैंने आप लोग को दिए हैं, साथ ही मेरे ब्रेकआउट स्टॉक्स, मेरे मैजिकल ब्रेकआउट स्टॉक्स भी आप लोग को दिए हुए हैं, इनके साथ में सेफली ट्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच।